एसोसिएट करना। हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन विच इज अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। ओके, सो फर्स्ट वी हैड 2x, वी हैड टू मल्टीप्लाई 2x इन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज सब क्वेश्चन। So let's solve now. We have 2x and one polynomial is 2x and another is x square minus 2x minus 1. So we will solve now. Solution. So we are multiplying, we are applying the multiplication operation. Okay. So here we have to write 2x into, in bracket we have to write x square minus 2x minus 1. That means we have to multiply 2x in each term of this polynomial. Okay, so 2x into x square is 2x cube, then we have sign minus, so we have to write minus. Then 2x into 2x, 2 x into 2x is 2 2's are 4x square, so 4x square, then we have again minus sign, so we have to write minus. See, 2x into 1 is 2x. Okay, so this is the multiplication of the given polynomials. So this is the solution. So we have to write this in standard form of like 2x into in bracket x square minus 2x minus 1 equals to 2x cube minus 4x square minus 2x. Okay, this is our answer. See, this is the really very easy question and multiplication of the polynomials is also very easy. Okay, so write down, this is the first sub question of question number 4 of practice set 3.2 of polynomials. So write down now. Now we will solve the second question, that is sub question of question number 4. It says multiply x to the power 5 minus 1 to x cube plus 2x square plus 2. Okay, that means humko is polynomial se is polynomial ko multiply karna hai. Okay, so we will solve now. So we have to write solution. So x to the power 5 minus 1 into x cube plus 2x square plus 2. See, each term of the first polynomial is going to multiply with each term of the second polynomial. Means x to the power 5 ka multiply pure mein karna hai, then minus 1 ka multiply is pure mein karna hai. Okay, so we have to write separately. So x to the power 5 into x cube plus 2x square plus 2, then we have minus 1, so we have to write minus 1 into x cube plus 2x square plus 2. So x to the power 5 into x to the power 3. See, जब भी हम solve करते हैं, अगर इनका base same है तो इनके power add हो जाते हैं. तो base क्या है, x. सो x लिख लिया और उनका पावर क्या है, एक का है 5 एक का है 3, तो ये हो जाएगा 8. फिर प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस 5, x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी इसके सामने कुछ नहीं है 1 है, तो 1 इंटू 2 इज 2. x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 2, अगेन बेस सेम है तो हो जाएगा x टू द पावर 7. जब भी बेस सेम होता है तो इनके पावर ऐड हो जाते हैं. प्लस 2 into x to the power 5, ये हो जाएगा 2x to the power 5. Then here,
माइनस वन इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, देन माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू. ओके नाउ वी हैव टू राइट लाइक टर्म्स टुगेदर. ओके सो हियर वी हैव एक्स टू द पावर एट, देन वी हैव टू एक्स टू द पावर सेवन, देन वी हैव टू एक्स टू द पावर फाइव, हियर वी हैव माइनस एक्स क्यूब, देन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू. सी एज इट इज सी लिख लिया. ओके सो दिस इज आवर आंसर. ओके सो वी हैव टू राइट आंसर और रिजल्ट नाउ. सो रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट इज एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एट प्लस टू एक्स टू द पावर सेवन प्लस टू एक्स टू द पावर फाइव माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज आवर आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर. इट सेज 2y प्लस 1, वी टू मल्टीप्लाई दिस पॉलिनोमियल विद द गिवन पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3y. ओके सो लेट सॉल्व. सो वी हैव टू राइट सॉल्यूशन. इट इज 2y प्लस 1 इंटू y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y. ओके सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल विथ ईच टर्म ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल. ओके सो 2y इंटू सी 2y का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं सारे के सारे टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो वी हैव टू राइट y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y. ब्रेकेट क्लोज, देन वी हैव प्लस वन. सो प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई क्यूब प्लस थ्री वाई. ओके सो नाउ विल ओपन द ब्रेकेट नाउ. सो टू वाई इंटू वाई स्क्वायर सो इट विल बिकम टू वाई क्यूब, देन माइनस साइन है तो माइनस साइन. टू वाई इंटू टू वाई क्यूब क्या हो जाएगा? टू टूज आर फोर. y इंटू वाई क्यूब हो जाएगा y टू द पावर फोर. देन टू वाई इंटू थ्री वाई सो टू थ्री आर सिक्स एंड y इंटू वाई इज y स्क्वायर. देन प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे हम सो हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस टू वाई क्यूब प्लस थ्री वाई. नाउ वी हैव टू अरेंज द polynomials in a descending order. So here we have highest power is 4. So we have to write minus 4y to the power 4. Then we have, see, यहाँ है 2y cube and यहाँ पर है 2y cube. अब दोनों का sign कैसा है? Opposite है. So दोनों क्या हो जाएंगे? Cancel हो जाएंगे. So this one and this one will get cancel. So we have now, सी इट इज सिक्स वाई स्क्वायर एंड हियर वी हैव वाई स्क्वायर. सो दोनों ऐड हो जाएंगे तो सिक्स वाई स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर इज प्लस सेवन वाई स्क्वायर. देन वी हैव थ्री वाई इज रिमेनिंग. ओके सो वी हैव टू राइट प्लस थ्री वाई. ओके एंड दिस इज आवर आंसर. So we have our answer, that means we have to write result now. So result will be result. So 2y plus 1 into y square
माइनस 2y³ प्लस 3y इक्वल्स टू, और आंसर इज माइनस 4y⁴ प्लस 7y² प्लस 3y. तो दिस इज आवर आंसर. ओके सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पार्ट. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन विच सेज डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकेंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इन टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके प्लस रिमाइंडर. एंड फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3x³ माइनस 64 विच इज गोइंग टू डिवाइड बाय एक्स माइनस 4. ओके सो नाउ वी विल अप्लाई द डिविजन ऑन द पॉलिनोमियल. सो वी हैव टू राइट सॉल्यूशन नाउ. सो x³ माइनस 64 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4. ओके सो वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर. इट इज x³ माइनस 64 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4. ओके सी विच नंबर इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस एक्स सो वी विल गेट x³ विच इज x² तो वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट बाय x² तो x² इंटू एक्स इज x³ देन वी हैव साइन माइनस सो वी हैव टू राइट माइनस x² इंटू 4 इज 4x². नाउ इन ऑर्डर टू कैंसल दिस वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन. तो पॉजिटिव वाला हो जाता है नेगेटिव और नेगेटिव वाला होता है पॉजिटिव. सो ये क्या था पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, ये था नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. नाउ वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट दिस एंड दिस पॉजिटिव x³ एंड नेगेटिव x³ विल गेट कैंसल. सो हियर वी हैव माइनस 4x प्लस हो गया है, माइनस था तो प्लस हो गया, तो हो गया 4x² माइनस वी हैव 64. नेक्स्ट विच नंबर इफ यू विल मल्टीप्लाई एक्स टू गेट 4x² सो वी विल टेक 4x. सो 4x इंटू एक्स इज 4x². ओके सो नाउ मल्टीप्लाई तो 4x इंटू एक्स इज 4x² देन वी हैव साइन नेगेटिव सो वी हैव टेक नेगेटिव 4x इंटू 4 इज 16x. ओके नाउ अगेन वी हैव टू कैंसल दिस पार्ट सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. सो दिस इज पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. सो 4x² पॉजिटिव 4x² नेगेटिव विल गेट कैंसल. नाउ व्हाट विल हैव हियर 16x माइनस 64. नाउ नेक्स्ट विच नंबर इफ यू विल मल्टीप्लाई 2x सो वी विल गेट 16x सो वी हैव 16. तो 16 इंटू एक्स इज 16x देन वी हैव माइनस सो वी टू राइट माइनस 16 इंटू 4 इज 64. ओके अगेन इन ऑर्डर टू कैंसल दिस वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन. सो हियर वी हैव पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, हियर वी हैव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. सो दिस पॉजिटिव 16x नेगेटिव 16x विल गेट कैंसल. हियर माइनस 64 एंड प्लस 64 विल गेट ऑल्सो कैंसल. सो द रिमाइंडर विल बी 0. ओके नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन आज सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इन टू कोशेंट एंड रिमाइंडर. ओके सो अवर डिविडेंड इज x³ माइनस 64. सो हियर वी हैव टू राइट x³ माइनस 64 इक्वल्स टू वी हैव डिविजर. व्हाट इज अवर डिविजर? इट इज x माइनस 4. सो वी हैव टू राइट x माइनस 4.
देन वी हैव टू राइट द डिविडेंड. डिविडेंड इज सॉरी कोशेंट. कोशेंट इज दिस वन. सो इन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 16. देन वी हैव टू राइट द रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज जीरो. सो वी हैव टू राइट प्लस जीरो. ओके सो दिस इज द आंसर. सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू हैड टू अप्लाई द डिवीजन अप्लिक डिवीजन ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स. ओके सो राइट डाउन दिस वन बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट कीप रिपीट दिस वीडियो वंस. ओके सो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. सो वी हैव द लास्ट वन क्वेश्चन इन द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज सेकेंड वन. सो सेकेंड क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू. ओके होमवर्क. ओके अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है सो वी विल मेक वन मोर वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन. ओके सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.